नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इनफो। दोस्तों इस चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि 23 अगस्त की तैयारी को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की मीटिंग खत्म, तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा को शुरू करने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के वकीलों के द्वारा समान काम समान वेतन के विरोध में दिए गए दलीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब ने अपनी जोरदार बहस में साक्ष्य सहित गलत एवं तथ्यहीन साबित किया है। इससे शिक्षकों की जीत अब तय मानी जा रही है, परंतु अभी भी इस मामले की लगातार सुनवाई जारी है। 23 अगस्त को होने वाली सुनवाई में सर्विस मैटर एवं शिक्षा मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से 4 लाख नियोजित शिक्षकों का पक्ष रखेंगे। संगठन ने बताया कि आज दिनांक 22 अगस्त को माननीय विजय हंसरिया के साथ अधिवक्ता नीरज शेखर, अनिमेश कुमार सिंह, मुरारी प्रताप, सुमित कुमार जैसे दिग्गज अधिवक्ताओं ने घंटों विचार विमर्श किया है। आपको बता दें कि वित्तीय मामले शिक्षा आयोग की सिफारिशें, नई शिक्षा नीति, शिक्षा एवं शिक्षक संवर्ग, शिक्षा अधिकार अधिनियम, समानता का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, विभिन्न संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान सहित विभिन्न मुद्दों पर साक्ष्य सहित मजबूती से शिक्षकों का पक्ष रखकर जीत का मार्ग प्रशस्त बनाने की तैयारी कर ली गई है। ब्रीफिंग के बाद अधिवक्ताओं ने बताया कि समान काम समान वेतन लागू करवाने हेतु हमने सभी साक्ष्य तैयार कर लिया है। 23 अगस्त को जोरदार तरीके से राज्य के 4 लाख शिक्षकों का पक्ष रखकर जीत सुनिश्चित करेंगे। मौके पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के साथ संजीव कुमार कामत, भुवन कुमार भी मौजूद थे। तो दुआओं का सिलसिला जारी है। कल की सुबह जो है वो शिक्षकों के लिए एक अच्छा दिन लेकर आए, एक अच्छा समय लेकर आए, और कल की सुनवाई में पता चलेगा कौन कौन सी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि सबको जानकारी मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।